दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं, साउथ इंडस्ट्री के दिग्गज अभिनेता अल्लू अर्जुन हाल ही में पुष्पा फिल्म को लेकर आए हैं और इस फिल्म को रिलीज भी कर दिया गया है। वहीं आपको बता दें, इस फिल्म में अल्लू अर्जुन पुष्पराज के किरदार को निभा रहे हैं। साथ ही इस फिल्म में अभिनेत्री रश्मिका मंदाना श्रीवल्ली के किरदार को निभा रही हैं, जिसमें इन दोनों की क्यूट सी केमिस्ट्री को दर्शक काफी पसंद कर रहे हैं। वहीं इस फिल्म ने रिलीज होते ही ताबड़तोड़ कमाई कर ली है, क्योंकि यह फिल्म दर्शकों को काफी पसंद आ रही है और सिनेमा घरों में इस फिल्म को देखने के लिए काफी भीड़ भी लग चुकी है। और इसी के साथ इन्होंने बॉलीवुड स्टार्स का बुरा हाल कर दिया है। जी हां, अल्लू अर्जुन की सुपरहिट फिल्म पुष्पा ने बॉलीवुड स्टार्स के पसीने छुड़ा दिए हैं। तो चलिए बिना वक्त गवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि इन्होंने कैसे बॉलीवुड स्टार्स का बुरा हाल कर दिया है। पर उससे पहले आप अपने फेवरेट एक्टर अल्लू अर्जुन के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी हाल ही में अक्षय कुमार की मूवी सूर्यवंशी ने भी बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया था, तो वहीं सलमान खान की मूवी अंतिम द फाइनल ट्रूथ ने भी सिनेमा घरों में ताबड़तोड़ कमाई की है। वहीं आपको बता दें, हाल ही में अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा रिलीज की गई है और इस फिल्म ने रिलीज के पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया है और कमाई के मामले में कई बड़ी फिल्मों को मात दे दी है। जी हां, सलमान खान की अंतिम फिल्म और अक्षय की सूर्यवंशी फिल्म को भी पुष्पा फिल्म ने धूल चटा दी है, जिसमें रश्मिका मंदाना और अल्लू अर्जुन की जोड़ी दर्शकों को बहुत पसंद आ रही है। इसी के बीच एक और बड़ी खबर आ रही है कि पुष्पा फिल्म ने रिलीजिंग डेट से पहले ही 250 करोड़ की रकम हासिल कर ली है। रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि फिल्म के डिजिटल राइट्स के लिए 50 करोड़ की डील की गई है, जिसने अब तक अपनी लागत से भी ज्यादा कमाई कर ली है और मुनाफे की ओर बढ़ रही है। लाल चंदन लकड़ी की तस्करी पर आधारित इस फिल्म ने डिजिटल और ओटीटी राइट्स को बचाने के मामले में भी कई बड़ी फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है। सलमान खान की फिल्म राधे डिजिटल राइट्स में 30 करोड़ रुपए में बेची गई थी, तो वहीं अक्षय कुमार की सूर्यवंशी फिल्म के डिजिटल राइट्स 100 करोड़ रुपए में बेचे गए थे, तो वहीं अजय देवगन की फिल्म भुज द प्राइड ऑफ इंडिया के राइट्स 105 करोड़ रुपए में बेचे गए थे। इतना ही नहीं, सैफ अली खान की फिल्म भूत पुलिस को ओटीटी पर 60 करोड़ रुपए में बेचा गया था। लेकिन इन सब फिल्मों के मुकाबले पुष्पा फिल्म ने सबसे ज्यादा कमाई की है और अल्लू अर्जुन की ये फिल्म सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है, जो विदेशों में भी सफलता के झंडे गाड़ रही है। फिल्म को देखकर दर्शकों के बीच काफी ज्यादा क्रेज देखने को मिल रहा है। वहीं आपको बता दें, जब इस फिल्म का ट्रेलर ही रिलीज किया गया था, तभी दर्शकों का कहना था कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाएगी और अब ऐसा ही देखने को मिल रहा है, जिसके चलते ये कहना गलत नहीं होगा कि अल्लू अर्जुन की पुष्पा फिल्म ने बॉलीवुड स्टार्स का बुरा हाल कर दिया है। तो दोस्तों, अब देखना तो ये होगा कि अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा कितने दिनों तक बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाती है। वेल, अगर आपको भी ये फिल्म अच्छी लगी हो तो आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।